गुरु सारे साथ संगत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर ज्ञानवान दे दो परिवार होंगे हैं, एक उसका निजी परिवार होंगा है, रिश्तेदार साग संबंधी मित्र धियाँ पुत्र, वो साड़ी गलती भी माफ कर लेंगे, साढ़े हर गुनाह कुरबान कर लेंगे। मगर एक साडा सिखी परिवार है, साडा सिखी परिवार है, गुरसिख संगत मिलाप को प्रताप साचो, लोक पर लोक सुखदाई ओत है, पोत पोत है, से सिखी परिवार साडा सब तो चेहरा है। कहते कोई हरफ ना आवे, इंसानी जीवन यही है। सो भाई जो हुक्म आया है बैंक एक नवी तरह से जो फरमाइश आई में, उस पहला आपके सामने पेश करता है।
गुरु गोबिंद सिंह का सानी संसार ने होर पैदा नहीं किया, मगर अज मैं इस गल से विचार नहीं करनी, कुछ मजमून होर लेके आया है। चेते रखो जिन्हें चर पिछोकड़ से इतिहास से चाती ना मारीए आने वाले समय मतलक नहीं समझ सकते। इंसान ये देवता भी है और शैतान भी है। देवता बुराई नहीं कर सकता कहते ने, शैतान तो नेकी का आस नहीं, मगर इंसान है जो बुराई भी कर सकता नेकी भी कर सकता। जीवन ने केड़े वे पलट जाना है कोई नहीं कहा जा सकता। नादर शानशाह बन के इतने आया है, कदे लुटेरिया का डाकुआ का सरकरदा लीडर सी, ईरान दे रहने वाला है, अफगानी उठे पठान इन्हें ईरान उत्तेज कर दिता है, बर्बाद कर दिता। सो डाकुआ के लीडर विच कौमी अणख जागी, कौमी लीडर बन के अगे वध्या नादर। केवल ईरान नूं आजाद नहीं कराया, सारे अफगानिस्तान से कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान से कब्जा करके रुकया नहीं। जेतू के मन में संतोख नहीं होया करता, दिल्ली बर्बाद की थी। कोई नूर और होर तख्ते ताऊस और करोड़ों का माल लेके इतों चले आ गए, तो ना ही बहुत सारिया लड़कियां टक्का मन तुरे। मैं सिंह की दलेरी देखो, नादर आया सुका नहीं जान दिता, रात लुटिया जी करके बहुत सारिया लड़कियां छुड़ाईया तो वापस कीतिया। वापस गया नादर, मौत तनावों के हेठ नहीं जानता, वो अपने आदमियों के हथों कतल हो गए। तो कातलों शिकस्त दे के अहमद शाह अब्दाली बादशाह बन गया अफगानिस्तान का। अहमद शाह अब्दाली ने 11 हमले किए हैं पंजाब से। पहले हमले में माणूपुर की लड़ाई में मीर मनू तो पूरी तरह हार के मुड़िया है। दूसरे हमले वरी चढ़ के आया है, मीर मनू लाहौर का गवर्नर है, मगर दोवें तरह अगे लड़ाई वास्ते तैयार नहीं, मामूली नजराना लेके चले आ गया, मुड़ गया है चना दे कंडे तो। तीसरी बार आया है, लाहौर फतेह कर लिया है और मीर मनू उसके मातहत हो गए। दलेर बंदियां विच कोई जरूरत भी होया कर दी, जिसे मीर मनू है कैदी की इसलिए सामने खलोता है अब्दाली दे। अहमद शाह अब्दाली ने पूछा, मीर मनू जे तू मैनू जित लेनो तो फिर की कर दूँ? कहिंदा मैं तेरा सिर वढ़ के अपने बादशाह के चरणों में भेज देना। कहिंदा हुण तू मेरे कब्जे च है, तेरे नाल की सलूक किया जाए? कहिंदा जे तू कसाई है मैनू कतल कर दे, जे तू व्यापारी है मैनू वेख दे दस की नजराना लैना, तो जे तू बादशाह है तो मैनू अपनी सदर छाया थले लै लै। इना मौत होया अब्दाली, उसने मीर मनू नू अपने वालों लाहौर का गवर्नर साहब दिता गया। कहते रखो खालसा जी, जिस वे घर में फुट है वही बर्बाद होया करता है। उस वेले मीर मनू की सब तो वड्डी ताकत कौड़ा मल सी, जिसे सिख मिठा मल कहा करते सन। सारी शक्ति उन्होंने सिखा के आसरे ते हैं, मगर तंग दिल मुसलमान जो मीर मनू के वफादार खवाते हैं अंदरों खोटे हो चुके हैं। जिस वे सिख अगे बढ़ के रावियों पार अब्दाली का टाकरा करने वास्ते गए सन, जिन्हों का लीडर सरदार सुखा सिंह मारी कंबो के इतों के रहने वाला जरनैल से, तो पिछों मुसलमानों ने गोलियां चलाईया, सामने दूसरों दिया चलिया ने, सुखा सिंह उसे शहीद हो गए। मगर अग सारे रवाज की पै गया है, जिला हुशियारपुर एक जगह पर गए, उसे तीन पुरानिया समाधा हैं, एक वड्डी समाध है दो छोटिया ने। एक गुरमुख ने उसे झंडा कढ़ दिता है तो कहता है कि सुखा सिंह माड़ी वाले की आखिरी समाध यह है, शहीद और रावियों पार होए, लोथ भी नहीं मिली दुश्मन के हथ में आई है, तो वो समाधि इतने आ गई है। जे यही चीज तरीका चलता रहा तो इतिहास जिंदा किवें रहेगा? इतिहास में संभालना एक कौम के आगुआ का काम है। खैर मैं अर्ज कर रहा सी, दूसरी तीसरे हमले में मीर मनू नू कब्जे कर लिया है, तो मीर मनू नू यह शिकायत की गई मौलवियों वालों, तेरी शिकायत का तेरी हार का कारण केवल सिख हैं, जे ये वफादारी ना लड़ते कदे ना हार दे, सिखा का दुश्मन बना देता है। मीर मनू दे वेले जिन्नी अत्याचार होए सिखा उते कह सुन तो बाहर हैं। मिसाल कायम हो गई सी, मनू साड़ी दातरी, असी मनू दे सोए, ज्यों ज्यों सानू बढ़दा असी दूने चौने होए, और आखिर मीर मनू मरिया भी है तो सिखा के हथों ही मरे हैं। मीर मनू दे मरण के बाद उहदी बेगम ने बुलाया अब्दाली नू और नाल लेके दिल्ली ते पई। दिल्ली विच एक घर भी अमीरां दा नहीं छड्डिया, जिहदियां खूबसूरत लड़कियां नूआं उसने ना पकड़ाइया होन।
वृंदावन तक अबदाली वध्या है, लुटमार की थी है, फौज विच हैजा पै गया, फिर वापस मुड़े है। ये चौथा हमला है उसका। तो मीर मनु की बेगम अपना पुत्र मुराद कह के उसनों इतों की सूबेदारी दे गए। मशहूर पंजवा हमला उसका, उस वे मरहट्टे सारे हिंदुस्तान से छाए हुए सन, इतों तक अड़क तक पहुँच गए मरहट्टे। सब तो वड्डी ताकत है तो आया अबदाली, जिसन पानीपत की तीसरी लड़ाई कहते हैं। मरहट्टियां ने पूरी शिकस्त दी। इतिहास अनुसार 1 लाख के करीब मरहट्टा नौजवान मारे आ गए। जिन्ने जरनैल सन सारे मारे गए हैं। मरहट्टे सदा वादे खत्म हो गए, मगर सिख रड़कते हैं अबदाली के कहना बेच, क्योंकि नादर आया है, सिखा ने उसनों लुटे है। जिनी बार अबदाली आया है, मरदा वागा सुक्का नहीं जान देता, लुटमार करते दे रहे ने। सब तो वधेरे निशाना हुंदा सी जिहड़ियां लड़कियां बन के तुरदा सी, उन्होंने छुड़ाया करते सन। सो अबदाली के सामने एको ही शख्सियत रह गई है सिख। सो बड़ी भारी फौज लेके चलदा काबल तो, और दमगजा ये मारदा किवें भाई। सिखां बर्बाद करने वास्ते अबदाली ने रंभे सारिया इतों दियां ताकतां, इतों ने मुगलां, मरहट्टियां, राजपूतां चिठियां भेजियां ने, मैं केवल सिखां नूं खत्म करने वास्ते आ रहा हाँ, बाकी किसे नाल कोई वास्ता नहीं। चेते रखो खालसा जी, कौमां उदों मुकदियां ने जद उन्हां दा इखलाक खत्म हो जाए। मारियां कदे कोई कौम मुकी नहीं, जे मारियां कौमां मुकदियां हुंदियां अज सिखां दा निशान भी बाकी ना हुंदा। 1.5 लाख फौज लेके चले आए तो जंडियालिया जरा हामी है उसने खबर दी। इस वे मलेरकोटले लागे बैठे ने सिख, तो उन्हों का वहीर है। असल में 3 गल् वेखन वाली हैं। अबदाली के कोल तोपखाना है, सिखा को तोपखाना कोई नहीं। अबदाली की 1.5 लाख फौज है, इतों के सूबिया की उस तो वक्री है। तो सिखा की गिनती लड़ाकी फौज की 50,000 तो भी कुछ घट मनी जाती है, बहुत ही नहीं। फूलकियां दे मिसल तो बगैर बाकी भी सारिया मिसल शामिल हैं। पर सब तो वड्डी औकड़ सिखा दे सामने सी उन्हां दा बाल बच्चा परिवार और सामान नाल है। ता अचनचेत उदों पता लगा जब मलेरकोटलिया ने आण के सिखा ते हमला कर दिता। कहिंदे भाई Go, 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 go
दाली पहुंच गया है। 6 फरवरी का दिन है, इसमें बड़ा कलूकारा क्या जाना है। बड़ी पारी फौज लेके अपनी जथे ने 2 हिस्सों च वंडे है। बहुत सारे ने हुक्म होया कि सिखां का वहीद खत्म कर दिता जाए, वो बच के ना जाए। और आप सीधा जिथे बैठे हैं सिखां का मोर्चा उठ लिया है, उसे तावा बोल रहा आओ तको बई अबदारी ले जा रहे थे कि जरनैल आने सिख ¡Gracias!
पास्यो जहान खान आप्या
शराब का नशा सब तो पैड़ा होंगे। खैर मैनू तो जीवन च इसका तजर्बा नहीं, मगर जो कुछ मैं देख रहा हाँ राजनीति का नशा इस तो भी पैड़ा होया करता है। हुकूमत का नशा, जिसनों पता हो इस तरह मैंने हुकूमत मिल जानी है, वो सामने ना धर्म होया करता है, ना अपने होया करते हैं, ना कोई अखलाक होया करता है। मिसाल दे रहा हाँ कि 11 मिसल इस शामिल हैं, मगर फूल की मिसल पा पटियाले के वड वडेरे वो शामिल नहीं होए। उन्हें सामने हुकूमत है, चेते रखो खालसा जी, जां धर्म रहा करता जां हुकूमत की लालसा रहा करती है, दोवें नहीं भी आ करती। मगर अब साढ़े तो आगू ये गल कह रहे हैं कि धर्म का वास्ता कोई नहीं होना चाहिए राजनीति नाल, बाकी सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। चेते रखो खालसा जी, पंजाब की धरती लहू नाल रंगी जा रही है। ये नादर ने रंगी है, अबदाली ने रंगी है, अनेक जरवाणिया रंगी है, उस गल का दुख नहीं। पर अज इस गल का दुख है कि अज पंजाब की धरती लहू की अपने हाथों रंगी जा रही है। इसका की इलाज है? कोई इलाज नहीं। पर जे तख्तों से बैठे हैं, भावें जथेदार साहिबान हो भावें वजीर साहिबान हो, सामने कि कौम भी कोई चीज़ है। ए बच्चिया कल वर पालन तो मापे तड़पणगे, इन्हों मुटियार कब वर कितो दिते जाण। ये साडा इखलाक बनता जा रहा है, इतिहास बनता जा रहा है। खैर मेरा इन्हों गलों वास्ता नहीं, मैं केवल इतिहास पढ़ता हाँ, इतिहास कहता हाँ, लोगों के सामने पेश करता हाँ। जिस वे इधरों आ गया है उस वे जथेदार सारिया मिसलों का सामना जथेदार जसा सिंह आलू वालिया है, जिस वे वैरी वध्या है तू कि तलवार सब तो अगे हो कि छाती डाके लड़ रहा किवें बई। अग दे लीडर बद लीडर जानन Thank you.
ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਅੱਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਹੀਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਏ, ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਵਹੀਰ ਭਟਕੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਹੀਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਔਰ ਬਿਰਧ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਟੱਕੋ ਭਾਈ, ਜੋ ਜਾਲਮਾ ਜਾਲਮਾ ਨੇ।
देखो मेरा सब तो देर नुकसान होए कुछ बीबियां बाहर दे सुके मुनारिया च मर गई लुक गई ने दुश्मन ने देखे अग ला के बच्चे ज्योया साड़ दी गई छोटे छोटे बच्चे उसार दे उतार दे सने हेठा बरसा कर देंदे सन देखिया किसी बीबी के बाहर होन वाला पेट बच्च मारिया बरसा सने बच्चे से खत्म कर दिता गया उदो जस्सा सिंह खबर पहुंचिया सो दे साथी सरा शाम सिंह के नतहत जाके दुश्मन तो बदले किवें लेंदे ने इसे वार नाल मैं समाप्त कर देंगा। एक बेनती करता हाँ एक उर्दू का मिसरा याद आया है अकल की बातें जो सीखी हमसे नादा नहीं हुई। 12:00 के करीब यह सारा पंडाल भरिया पिया से मगर जब मेरी वारी आई है तो 25% बाकी रह गए ने जे घंटा होर लेट लाने प्रबंधक तो 10% ही रह जाने सी गल चंगी थी ने थोड़े सुन दे थोड़िया असर होंगे बहुते इस तकलीफ तो बचे रहेंगे। खैर ये अगे वास्ते इसका ख्याल रख लिया जाए तो अच्छा है भाई हूँ आखिरी बार सुनो इतने समाप्त है। कुतबे तक लड़ाई जारी रही है
वो तो पिछले दोवें चलते गए बरनाले तंग, मगर कि हिम्मत नहीं पई एक दूजे से टाकरा कर सके। गालिब दा एक शेर है, अगर कुछ दिन जिंदगानी और है, हमने अपने जन मन में छानी और है। इस तो बाद 9 महीने के बाद पिपली साहब इसे अबदारी शिकायत किवें सिखा दी है, कहते फिर आ गए सुनावेंगे। सिख राज किवें गया, मैं 4 कैसटा में पढ़ देता है, उसे थकता भी नहीं जे भावें कई बार वजाई गया करे हो जे, मेरे साथियों को हैं। और अगली चीज़ है जो कि कन्न रस कुदरती सोना होया करता है, इतिहास में आएगा तो मैं ये सारिया कुछ कैसटा भी जरा 2 महीने गर्मी से लंघ जाए तो पढ़ देवगा, ताकि लोग सुन सकन और कर सकन। जिन्हें महापुरुषों का मेरे मन में सत्कार है, बाबा दया सिंह जी सुर सिंह वाले उन्होंने वालों आशीर्वाद वजों माया आई है, तो वो मैं जेब च पाई वो नहीं किसी को देनी। आप तो वे तो जो मिलता है आशीर्वाद होंगी है, पैसे की कीमत नहीं होंगी। इतों के महापुरुष भी इन्होंने बड़ा प्यार है, सत्कार है, उन्हें सत्कार करके आता हाँ। हूँ वैसे मैं कोटू मोड़ से जरा बदो बदी आके भी मैं मत्था टेक दे, मैं तेरे सारे पाप गुनाह माफ कर देंगे, मैं कभी मत्था नहीं टेकागा, पर जिस दिन बाद मेरे मन में सत्कार है वो सत्कार कायम रहेगा। हूँ फतेह बुलाना भाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।